सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की। करने वालों के ऊपर आ गया, क्राइस्ट मास्टर से प्रेम करने वालों के ऊपर आ गया, चर्च के साथ रेगुलर आने वालों के ऊपर प्रेम आ गया, माँ बाप का आदर करने वालों के ऊपर आ गया, यीशु से प्यार करने वालों के ऊपर। कहता जो यीशु को मानते हैं, कहते हैं चांद सितारों का भी पता लग गया है कि परमेश्वर का दिल इनके ऊपर आ गया है। हालेलुया। और इस बात को सुनने के बाद यूसुफ चौड़ा होकर घूम रहा है, लेकिन प्रार्थना करना भूल गया। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर परमेश्वर अगर आपको दर्शन दे रहा है या स्वप्न दिखा रहा है, आप उस स्वप्न में प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। उठो और सुबह प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ टाइम बिताओ। आपकी अटैचमेंट है तो आप टाइम बिताएंगे। लेकिन उसी समय बाइबल बोलती है कि यूसुफ के पीछे पड़ गए उसके भाई मारने के लिए। उन्होंने कहा इसको मार डालेंगे आज रात। और उस समय क्या हुआ कि वो मारने के लिए आए, खड्डे में दबा दिया, उसके बाप को जाकर झूठ बोल दिया कि वो मर गया है, और उसको मिस्र के हाथ बेच दिया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आज आपको जिसकी अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ है, जिसकी फेलोशिप यीशु मसीह के साथ है, अगर शैतान या उसके लोग कहता है कोई भी आपको खड्डे में डाले, आपके बिजनेस को खड्डे में डाले, आपके किसी भी चीज को खड्डे में डाले, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उस खड्डे में से बाहर निकाल कर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? आपकी अटैचमेंट जो है वो यीशु मसीह के साथ है। किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। यहाँ पर क्या हो गया कि वो उसी समय उसके भाई ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, उसके परिवार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया है उसको, अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। लेकिन क्या हो चुका है, वो वहां पर एक महल में पहुंच गया, एक राजा ने रखा, और राजा के बीच में वो इतना सुंदर था, उस रानी को वो पसंद आ गया, और उसने कहा कि सुन, कहता यूसुफ तू अगर मेरे साथ एक रात सोएगा ये महल तेरा हो जाएगा, अगर तू मेरे साथ व्यभिचार करेगा या तू मेरा दूसरा पति बनेगा तो करी ये महल ये सब कुछ मैं तेरे नाम करवा दूंगी, रानी ने कहा यूसुफ को। लेकिन यूसुफ ने उसी समय लात मार दिया उस व्यभिचार के पाप को, लात मार दिया उस महल को, लात मार दिया है। मैं कह रहा हूं कि दौड़ गया वहां से, कह रहा कि वो धन को, दौलत को, पैसे को छोड़कर लात मार कर उस औरत को निकल गया है। क्यों? कहता है मेरी अटैचमेंट मेरे यीशु के साथ है, यीशु के साथ। करा मैं उसे दिल देकर आया हूं, मैं उससे वादा कर आया हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर उतरता है, उसके ऊपर उतरा पवित्र आत्मा उसके साथ रहा, वो फाइट करना चाहता था। आपके साथ शैतान फाइट करता है विचारों में, आपका मन करता है कि लड़की सुंदर है, हाँ हाँ इसको फ्रेंडशिप कर ले, हाँ हाँ शादी हो रखी है, हाँ हाँ लड़का सुंदर है, हाँ हाँ औरत का मन करता है कि मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर लूं। आप विचारों में लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, आपकी फाइटिंग परमेश्वर करेगा शैतान के साथ, उन विचारों के साथ। आप नशा नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, अगर आपको नशे से नई आजादी आ रही। जब ठेके पर जाते हैं, ठेके के सामने से निकलते हैं, जीव मैकडोल, थोड़ी थोड़ी सी प्यास, लेकिन उस समय आप गाड़ी रोकते हैं, विचार करते हैं लू ना लू, एक विचार आता है, पवित्र आत्मा कान में बोलता है तेरी पत्नी दुखी हो जाएगी, मत पीना बेटे पाप है ये। और एक विचार शैतान करता रहता है, ना 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 पी ले, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, इतने दिन हो गए, 3 साल हो गए तुझे प्रभु में, अरे क्या दिया, एक बार बोतल पी के अपनी पत्नी से तो पूछ, यीशु से तो पूछ। और उस समय बंदा क्या करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, शैतान के साथ फाइटिंग करेगा, फाइटिंग। हालेलुया। कहता है कि आपको करना है, आपको करना है उन विचारों के साथ लड़ना है। उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है जो लोग परीक्षा में करा टेस्ट में पास होकर दिखाते हैं, आपको वो टेस्ट पास करना है। आपको करना है कि नहीं, कि मैंने इस लात मारता हूं शराब को, यूसुफ ने लात मारी शराब को, यूसुफ ने लात मारी, करा कि उसको किसको, व्यभिचार को, लड़की को लात मारी, पाप को लात मारी, महल को लात मारी, गाड़ी को लात मारी उसने, और तोड़ गया है। कहता कि मैं रेगिस्तान में रह लूंगा, मैं जंगल में रह लूंगा, मैं भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के बातों से दूर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ अटैचमेंट रखूंगा। और पवित्र आत्मा ने क्या किया कि आउट, दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस रानी ने रिजेक्ट कर दिया, हर एक व्यक्ति ने, उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर आया, परमेश्वर ने उसको उसी देश में प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, इसके अंदर लिखा है। हालेलुया। प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके विचारों में ऐसी बात है कि अगर मुझे चंगाई मिले ना मिले, धन दौलत मिले ना मिले, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, तो मैं कह रहा हूं कि 3 साल के अंदर आप एक लीडर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। परमेश्वर आपको वहां उठाएगा, उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने आपके मस्तक को नीचा किया है, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा उठाएगा उन्हीं लोगों के।
पिच में आप ऊंचे उठने के लिए जा रहे हैं, आप स्टार बनने के लिए जा रहे हैं। वो स्टार आपके घर पर आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो आपको चमकाएंगे। आपको बता रहा हूं कि ये यीशु मसीह का सामर्थ्य है। हालेलुया। अब्राहम बड़े साल से उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे बच्चा होगा, लेकिन चलते चलते एक दिन शैतान उसके विचारों में आ गया और बोलता है, कह रहा छोड़ दे प्रभु को, क्या मिला तुझे, छोड़ दे। और एक दिन वो भी कह बैठा, उत्पत्ति की किताब में बोलता है 15:1 में बोलता है, परमेश्वर कहता तू मुझे क्या देगा। अरे आप काम करने जाते हैं, आप पूछते हैं, हां जी मालिक मैं तेरी कार साफ करूंगा, तू मुझे क्या देगा, मैं तेरे घर में पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा। यही सवाल आज इंसान कर रहा है, मसीह लोग कर रहे हैं कि हां मैं तेरे चर्च में जाऊंगा, हां मैं तेरे पास्टर के वहां जाऊंगा। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं वो बोलता है कि वो क्या देगा हमें, अरे तेरा प्रभु हमें क्या देगा, ठीक कर देगा क्या। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ठीक नहीं करता, उन लोगों को ठीक करता है जो लोग कहते हैं अरे वो ठीक करे ना करे, मैं तो यीशु का दीवाना हो गया हूं, मैं तो उसके साथ अटैचमेंट करूंगा, मैं तो दिन रात सुबह शाम उसके साथ फेलोशिप करूंगा, मैं उसे प्रेम करूंगा, मैं उसकी दुआएं करूंगा और पाप से दूर रहूंगा। आज मन से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, आज पवित्र आत्मा का दान आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर दया करेगा आज। किन लोगों के ऊपर? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फिर बताया अटैचमेंट के दो फल हैं। कहता है एक मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिसकी अटैचमेंट नहीं है उसके लिए ये वचन है, जिसकी अटैचमेंट है यीशु के साथ दादे परदादों से, या वो साल दो साल हो गए, तीन साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन यीशु में बना हुआ है, पाप के साथ अटैचमेंट नहीं रखी उसने। यूसुफ ने कहा सुन रानी, मैं पाप के साथ अटैचमेंट नहीं रखने वाला, मैं यीशु के साथ अटैचमेंट रखूंगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं, किसी ने बोला है 15 साल बाद तेरा कर्जा उतरेगा, किसी ने बोला है 15 साल बाद तेरी बीमारी जाएगी, या किसी ने बोला है 20 साल के लिए तुझे बांध रखा है अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर सब कुछ होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपनी अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ रखनी है। किसके साथ रखनी है अटैचमेंट? बोलो हालेलुया। किसके साथ रखनी है अटैचमेंट? सारे बोलो हालेलुया। आज आपकी अटैचमेंट अगर यीशु मसीह के साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज आप तरक्की करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यही रीजन था मैं कह रहा हूं कि मेरा भाई क्या करता है, मेरा डैडी जब हम दोनों भाइयों को डांटता तो मैं अपने भाई को साइड में ले जाता, मैंने कहा सुन 15 दिन मेरे डैडी से बात नहीं करनी तूने। मेरा भाई बोलता हाँ ठीक है बात नहीं करेंगे, और मैं देखता थोड़े दिन के बाद मेरे डैडी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा, बात कर रहा है। मैंने कहा ओए ये क्या कर रहा तू, मैंने कहा डैडी को एहसास तो होने दे, उसने हमें डांटा है। मैं 10 दिन बात नहीं करता लेकिन वो बात करता, और यही जो फल है यही अटैचमेंट है। अगर आप ये अटैचमेंट करते हैं, वो फिर नम्र होकर झुककर वो फिर डैडी से बात करता, और परमेश्वर ने उसको मेरे से ज्यादा आशीषित किया। हालेलुया। कैसे? मैं यही बता रहा हूं कि पहला फ्रूट मैं अपने घर में, पहला मैं विश्वास में आया, उसके बाद मेरे घर के लोग विश्वास में आए, पहले मैं आया, मैंने संघर्ष किया, बड़ा संघर्ष किया। और अगर अटैचमेंट मैं नहीं रख पा रहा हूं, अगर आप प्रेम नहीं कर सकते किसी से, अगर पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, या यीशु मसीह से, या पादरी से, या आप प्रोफेट से प्रेम नहीं रख रहे हैं, आप इस चर्च में आ रहे हैं और मुझसे प्रेम नहीं रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपका संघर्ष लंबा होने वाला है, आपकी समस्याएं लंबी हो जाएंगी, आपकी आशीषें लंबी हो जाएंगी, कम होंगी आपकी आशीषें। शैतान क्या करता है, उसने भी क्या कर रखा है, जगह जगह उसने बना रखा है, कहता है उधर भी थे इतने और इधर भी इतने हैं, चल ये पास चल नहीं दूसरे पे चल, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं इधर चल, ये नहीं इधर चल, ये नहीं इधर चल, भटकाने वाली आत्मा घुमाती है। लेकिन अगर आपने ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपने अपना दिल दे दिया, अटैचमेंट ले लिया, आज आपके ऊपर से चूहा टूटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ क्या था, यहाँ पर यही हुआ कि आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत किया, मेरा मन था मैं यहाँ हूँ चंडीगढ़ में चर्च बनाऊं, लेकिन सबसे पहले वो चर्च वहां बना। मेरा भाई लगे लगाए पेड़ों से फल तोड़कर खा रहा है। आपको बता रहा हूँ छोटा बच्चा जो माँ बाप के अटैचमेंट में होगा, बड़े बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। 3 लड़के हैं, बड़ा अमेरिका में है लेकिन छोटे वाला माँ बाप के पास रहता है, अमेरिका वाले पैसे भेजते हैं, छोटा लगे लगाए पेड़ों से तोड़कर फल खाता है। खाता है क्या नहीं? लेकिन यहाँ छोटा और बड़े का डिफरेंस नहीं है, यहाँ वो डिफरेंस करता है, कहता है अगर तू बड़ा है तो भी फल खाएगा, छोटा है तो भी फल खाएगा, लेकिन अगर तेरे अंदर प्रेम है, अगर तेरे अंदर अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ। मैं कह रहा हूं कि पहली बार आपको यह करना है कि परमेश्वर मैं पहली बार आया हूं प्रभु में, लेकिन मेरे घर के भी विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रभु को इसलिए अपना जीवन दिया, इसलिए दिया कि परमेश्वर कि मेरे घर के, मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे जो बच्चे हैं,
वो परमेश्वर आशीष में बदल जाए आशीष में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दुख उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये उसका वायदा है। वो बीमारियां उस बंदे के ऊपर नहीं आती, वो शराब पुरखों से आए सारे तोड़े जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह आया, उसने संघर्ष किया धरती पर, उसने कुर्बानी दिया मेरे और आपके लिए, और वो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, और उसने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए, उसके ऊपर लहू बहाया गया। वो परमेश्वर होकर एक मिनट में दुनिया को हिला सकता था, लेकिन वो जानबूझ कर कहता कि वो शराब कहता है एक बंदे को लेने पड़े, और उसने ले लिए कि ताकि तुम शरापित ना हो, तुम आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज जितने उस पर भरोसा रखते हैं वो आपका पिता है, और जो पिता ने दुख उठा लिया अब संतान को नहीं उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज जितने उसको पिता कह रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, जितने उसको पिता कह रहे हैं तो उससे प्रेम रख रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, आज यीशु यहां आने वाला है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की अटैचमेंट है, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें मेरे पीछे बोलो हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर रही है, इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य उतर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है। हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, तू मेरा पिता है और मेरी अटैचमेंट तेरे साथ है, और परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तुझे अपना पिता स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे और बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बहुत आशीर्वाद उतरने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को उठाओ और उन आशीर्वाद को देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह उन लोगों के साथ बने रहे जो उस शांति को लेना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो, आज आपको अटैचमेंट पता लगा कि नहीं? अटैचमेंट अगर होगा, प्रेम रखोगे, तो कहता है ज्यादा प्रार्थनाएं करने से पहले ही उत्तर मिल जाया करेगा। हालेलुया। आपको करना है, लेकिन प्रार्थनाएं आपको करनी है। बोलो हालेलुया। करनी है कि नहीं? ये परमेश्वर का प्लान है, प्रभु आपको छूना चाहता है और आशीर्वाद देना चाहता है। बोलो हालेलुया। कोई बहन है, कोई बहन जैसा कोई ग्रीन कलर का कोई सूट डाला, हल्का गुरप्रीत, क्या नाम है? तारीफ करें। आप पवित्र आत्मा, सामने आप पवित्र, सारे बोल हालेलुया। खुश होगी तो खुश होगी, हालेलुया। छू लिया, मेरे पिता ने मैंने छू लिया, सारे बोल हालेलुया। आज सुनो, आत्मा में मैंने देखा, सुनो मेरे को मिली है कहीं फोन पे बात बदरी नहीं हुआ? अभी तो यहाँ बैठे कह रही थी पवित्र आत्मा मुझे छू, मेरे से बातचीत कर, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी समस्या में हूँ, बड़ी समस्या में है तू। आ तेरे को बोल रहा हूँ मैं, सुन मेरे पास टाइम कम है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा बहन तू सच में बहुत दुखी है, बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा। सुनो प्रोफेट मत बनो, प्रोफेट मैं हूँ, सारा बोला हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रोफेसी करेगा आपके लिए, और आज बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। सुनो आप इतना तंग हो, आप किसी प्लेस पर रहते थे लेकिन आप कहीं वो प्लेस छोड़ दिया है, सब कुछ छूट गया। कहाँ रहते थे पहले? श्री चमकौर साहब। चमकौर से? चमकौर साहब किधर है? चमकौर रोपड़ के पास चमकौर, सारे बोलो हालेलुया। वहां रहते थे, वहां से आया आप। परमेश्वर का आत्मा ने तेरी ड्रेस दिखाई, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे आज दर्द को दूर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कैसे? मैं बता रहा हूँ कि सुन ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि जहाँ आप रहते हो, कह रहा है कि सुनो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जहाँ आप रहते हो उसके पीछे एक प्लॉट है, कोई खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है, और ऐसे आपके पड़ोस में ऐसे कुछ घर है, घर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, और आपको अगर नाम मिलता जुलता है तो मुझे बताना फटाफट। मैं ऐसे नाम देख रहा हूँ, कोई नीलम, कोई सोनिया, कोई ऐसे नाम मैं देख रहा हूँ पड़ोसियों के। सोनिया की मेरे पास में है। आपके पास में? हाँ। कोई येलो कलर की दीवार किसकी है? पीला 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 सा दीवार,
ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਆਤਮਾ ਪੜੋਸ ਮੇ ਥਾ ਅਭੀ ਆਪਕੇ ਆਪ ਪੜੋਸ ਮੇ ਸੇ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ और आपके घर में आ रहा है अब घर में आना है तो आए पवित्र आत्मा घर में आए बोलो पवित्र आत्मा मेरे घर में आ पवित्र आत्मा मेरे घर में आ पवित्र आत्मा अब मेरे घर में आ जा पवित्र आत्मा मेरे घर में आ और सुनो पवित्र आत्मा आपके घर में आ गया एक थंबला था ऐसे थंबला परमेश्वर का आत्मा वो रहा कहता उसके साथ एक बाजू में इस साइड में एक दरवाजा इधर खुलता है एक दरवाजा इधर खुलता है दो कमरे परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है और अंदर घुसते ही कहता है कि एक पहले एक फोल्डिंग था वो टूट गया जैसे खाट थी कोई टूट गई है मैंने आत्मा में देखा परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि लेकिन अब आपने एक दीवान लिया हुआ है जैसे किसी ने पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा हो रहा है एक फूलों की चादर कहता है फूलों की चादर रेड कलर की बिछाई हुई है आपने मेरे बेड आपके माइक करा के हालेलुया आपके बेटा पर है मैं कह रहा है आते बेटा पर है पवित्र आत्मा बोल रहा है सुन और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कहता मैं आत्मा में फिर तेरे घर में जा रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करना आज बंधन टूटने वाले हैं आज बंधन टूटने वाले हैं तेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है किसी के खून के छींटे आए आवाजें सुनते कोई टर टर आवाजें आती हैं आवाजें सुनाई देते हैं किसी को और भूत प्रेत पिशाच कुछ तंग करते हैं दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं आपको तंग करती हैं आपका सब कुछ उजाड़ दिया आपका एक बाड़ा आपके नाम होना था वो भी किसी ने ले लिया आपको वहां से निकाल दिया और इधर भेज दिया आप छुप कर यहाँ रह रहे हो आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो कहीं इधर आ गए हो वहां से हटके यहाँ आ गए हो कहीं आपने कहीं किराए पर मकान लिया है या फिर किसी रिश्तेदार के घर पर आ गए हैं ऐसा ही है कि नहीं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे छूंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में तेरे घर के हर बंधन तोड़ेगा पवित्र आत्मा अब लबा शबा लबा लबा शबा लबा पवित्र आत्मा बोल रहा है कहता मैं तेरे दर्द को दूर करने के लिए जा रहा हूँ अभी अभी मैं आता हूँ देख रहा हूँ कि अभी सुनो ऐसा ऐसा बोलो एक अक्टूबर मेरे घर वाले का जन्मदिन है तो है कौन क्या हुआ मेरे घर वाले का जन्मदिन तारीफ करें हालेलुया हालेलुया मैं कह रहा हूँ किसी ने क्या किया किसी ने फूड में डालकर तुम्हें सबको दे दिया है लेकिन आप बड़े प्रॉब्लम में हो चेस्ट में बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको पेन होती है कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम होती है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ये आखिरी दिन है इस प्रॉब्लम का हालेलुया लेकिन क्या तू विश्वास करती है या नहीं करती है कि नहीं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूँ पवित्र आत्मा बोल रहा है कहता है सुनो तू प्यार से किसी को कैसे बोलती है आत्मा बोल रहा है कहता सुनो कहता मैं उसको देख रहा हूँ हालेलुया पवित्र आत्मा बोल रहा है कोई 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 बहुत बुजुर्ग एकदम अटैक हुआ मर गया और अटैक हुआ मर गया कोई ऐसे कोई नाम जैसे मिंदर सुरिंदर सुरिंदर मेरी सास थी क्या नाम है सुरिंदर कौर कोई आपको दिखाई देती है आपको दिखाई देती है आप कैसे रहते मेरे सपने में आ रही है मुझे प्रॉब्लम कर रही है परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता कि वो कह रही है वैसे एक शैतानी ताकत उसका रूप लेकर आपको तंग कर रही है और कह रही है मैं लेकर जाऊंगी इसको लेकर जाऊंगी आपने दो बार ऐसा सोचा मैं सुसाइड कर लूं आपने सोचा सुसाइड कर लो एक दिन आपने फिनाइल की गोलियां हाथ में पकड़ी के नहीं उस दिन को परमेश्वर देख रहा है जिस दिन तू फिनाइल की गोलियां पकड़ रही थी हाथ में और तू रो रही थी उस समय तू कह रही थी मेरा कोई नहीं है है कि नहीं ऐसा है कि नहीं वो जीवन परमेश्वर ने तुझे दिया वो जीवन परमेश्वर ने तुझे दूसरे दिन तो मर जाती लेकिन परमेश्वर ने तुझे बचाया हालेलुया वो फिनाइल की गोलियां मैंने तेरे हाथ में देखी परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कहता है कि सुन तेरी स्टोरी सारी चेंज होगी एक सोनू नाम का कौन है सोनू परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आप याद करने वाले हो कौन है सोनू मेरी ननद का घर वाला ननद का घर वाला बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा समझदार हुआ मैं आत्मा में देख रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कहता है कि आज यीशु मसीह को अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ कर आज यीशु मसीह को साथ अटैचमेंट पूरे तरीके से के साथ करना है परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कहता है किसी ने तुम्हें ठग लिया बाहर भेजने के चक्कर में पहले बाहर भेजना था बाहर जाना था फिर दिमाग में लगाता है फौरन जाना है कोई बार बार सोचता है और बार बार शौक बड़े बड़े हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है होने वाला है किसी को बुलेट बुलेट का बड़ा शौक है बुलेट का आपका हस्बैंड yes. क्या कहता है मैं मोटरसाइकिल लेनी नमी नवी लेनी है परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सुनो मैंने आत्मा में देखा और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कहता फौरन के लिए परमेश्वर आपके पूरे घर का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में हालेलुया परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है तुम बहुत कर्जे में आ गई है बहुत समस्या में आ गई है पवित्र आत्मा बोल रहा है ये मिराकल मनी तेरे घर जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में तू कैच कर रही है और मिराकल मनी तेरे ऊपर आ रही है कोई लड़की है तेरे पास नहीं दो बेटे हैं अभी मैं कुछ आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कौन है एक लड़की मैं देख रहा हूँ कोई जेठ की कोई ऐसे ताऊ चाचों की है क्या कोई लड़की है किसी के पास मेरे भैया की है उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको बहुत प्यार करती है तू yes. हाँ कुछ अपनी बेटी की तरह मानती है उसको हाँ, बड़ी है कहाँ रहती है वो मेरे पेट के ही तेरे पेट के ही हाँ। कुछ प्रॉब्लम है उसके पेट में आज उसको फोन करके पूछना वो बीमारियां सारी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ हालेलुया
लेकिन जब तेरी शादी हुआ उस दिन तेरे तेरे नोट पर एक जादू टोना किया गया। तू चार कदम चल कर आ, चार कदम ऐसे बोल कर, एक दो तीन चार ऐसे कर, एक दो हाँ तीन हाँ चार हाँ। किसकी शादी हुआ चार को? मेरी मेरी। आपकी शादी हुआ, तारीफ करें जोर से। कौन है ये, कौन है? यीशु। सुन, जो चार जन तेरे घर आए थे तेरी शादी के दिन, तारीख के दिन चार जन आए थे, चार जनों ने जो जादू टोना किया था, और चार साल से तू बहुत दुखी है। परमेश्वर का आत्मा बोला तुम वापिस जाने वाले हो, तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हो। परमेश्वर तुम्हें घर देने के लिए जा रहा है, हर आशीष देने के लिए जा रहा है, तुम सब कुछ। पवित्र आत्मा वो जो तूने खोया है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए अगर तूने सहा है, परमेश्वर का आत्मा और जिन लोगों ने तेरी बुराई की उन लोगों के बीच में तुझे ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा और मैं तुझे दुगना कर वापस देने के लिए जा रहा हूँ। बोला हालेलुया। और ये समस्याएं आज तेरे घर से जाएंगी। तू ऐसा सोचती है कि ये प्रॉब्लम पता नहीं कब जाएगी, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कुछ बड़ी सारी बातें देख रहा हूँ। मैं सुनो 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 सुनो, तू सच में, तू बार बार तुम्हारे पति और पत्नी की बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आज भी होया। और क्या कह रहा, पता नहीं क्या जूता उठा लिया, पता नहीं कभी मारूं तेरे मुंह पे। तकिया सी मैंने देखा, एक हल्का सा हल्का स्पोर्ट्स शूज देख रहा हूँ, हल्का व्हाइट रंग का जूता भी देख रहा हूँ मैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि वो जूता सड़ गया आज की रात, जाके घर जाके देखना, सड़ गया वो। हालेलुया, कह रही आमीन। पति का जूता सड़ा दिया तूने, हैं? पति का जूता, तू जाएगी घर पे ना, वो क्या होगा, वो कहेगा, कहता है अभी तू घर जाएगी ना, वो क्या कहेगा पता है? पता नहीं कितों सड़ गया, पता नहीं कितों सड़ गया। उसको कोई हो, प्रोफेट बजिंदर ने प्रार्थना किया, वो सड़ गया यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। सड़ना चाहिए वो सड़ेगा, वो सलंचर पे गरम गरम पैर रख दिया आज उसने। सारे बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। हालेलुया। ऐसा ऐसा मकान नंबर किसका है आपके आजू बाजू में? 5117 कुछ ऐसा नंबर मिलता जुलता है, 5117। परमेश्वर का आत्मा आपको याद आएगा, किसी से पूछना या देखना आज पर जाकर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अब मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं कुछ आत्मा में तेरे लिए देखता हूँ कि कल मतलब तुम्हारा ऐसा काम हो गया है कि तुम रोटियां भी मुश्किल से खा रहे हो, इतना पैसा नहीं आ रहा। कल तू सोच रही थी कि आलू की सब्जी बना ले, लेकिन फिर तूने क्या करा, फिर तूने कड़ी बना ली, कड़ी खा ली। कल क्या खाया था? कड़ी, रात को कड़ी, कड़ी। हालेलुया। कौन है ये, कौन है? अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी ममूरी से मेरे खुदा। तूने मेरे को बताया कड़ी चावल नहीं खाने हैं, कड़ी चावल किसी ने? आज मैं कह रहा हूँ कि आप घर जाओ, जो बनाओ, मेरा पवित्र आत्मा आपके घर जाएगा, वो बताएगा कि आप क्या खा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आलू बनने थे, पक्का आलू बनने थे, फिर तूने कहा चलिए कट तो गए, चल कड़ी भी डाल दे थोड़े से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ और तेरे घर से ये समस्याएं जा रही है। मेरी तरफ देख पीछे। पवित्र आत्मा इसको छू, अपने हाथों को उठा। गंदी आत्माएं निकले, चीखो, चिल्लाओ और निकलो। हुक्म देता हूँ तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जाओ यीशु मसीह के नाम से, फ्री करता हूँ। चलो निकलो, उखड़ जाओ इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके घर से, पति से, बच्चों से, परिवार से, निकल। मैं तुझे शरापित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मैं तुझे शरापित करता हूँ। और पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ कि ये बहन आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये दुष्ट आत्माएं इसको दोबारा न तंग करें। मैं इसी समय हुक्म दे रहा हूँ, जाओ जाओ मरे हुए की गंदी आत्मा, जाओ इसी समय। बोलो, चीखो, चिल्लाओ और निकलो। बोलो, जाओगे? कौन हो तुम? कौन है? मारने आए इसको? मुझसे बोल, मारने आए इसको? किन्ने हो? तीन। मैंने क्या बताया था कि चार लोग तेरे घर में आए जब जादू टोना हुआ था, बताया था कि नहीं? तीन लोग आए थे और एक शैतान आया था, चार लोग आए थे। लेकिन सुन, आज अगर यीशु अकेला ही तेरे घर में आ रहा है और तुझे भगा रहा है तेरे चारों को यीशु मसीह के नाम से, तू आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से, और निकलो, जाओ, ये गया यीशु के नाम से, निकलो, चलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय चल, ये गया, गया, चल, फायर, 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 यीशु के नाम से। हालेलुया।
दूर जा स्थानों में जाऊं यीशु मसीह के नाम से और तुझे पैर के तले कुचल देता हूं और गाड़ देता हूं क्रूस के नीचे। तो दोबारा इसके घर में नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। शांति देने वाले आत्माएं, शांति देने वाले दूत इसके घर में जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और एक बड़ी गवाही को लेकर आए, तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे या शैतान ने तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बोलो हालेलुया हालेलुया। हां जी कितने मेरे दोस्त हैं सर, बोलो हालेलुया। नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ सर, बोलो नीचे बैठ जाओ सर, बोलो हालेलुया। उठना नहीं आज किसी ने सर, बोलो हालेलुया। अ अ अ अ ये क्या कर रहे हैं फिर, मैं अंदर जब ही तो नहीं आता। सुनो ध्यान से बैठो, सुनो मेरी तरफ देखो, आशीर्वाद चाहिए। आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें खोलो सब आंखें खोलो आंखें खोलो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर लो, शाबाश। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आंखें खोलो, तुम आंखें नहीं खोल रहे, मैं जा रहा हूं फिर, मैं जाऊं मैं तुम्हें यहां यीशु मसीह दिखाऊंगा नहीं। आपके बीच में से एक बंदा बोलेगा, किसी ने पिंक कलर की शर्ट डाली है, पिंक इस कैबिन में, पिंक पिंक समझते गुलाबी, अरे बकरी के तेरे को नहीं बोला तूने ज्यादा जर्मनी, हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। पिंक स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, पिंक स्टैंड अप, कोई गुलाबी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, गुलाबी है कि नहीं, वो तो जर्मनी वाला आ गया, जर्मनी वाला है, मर्जेंटा उधर बैठ जा, मर्जेंटे पिंक पिंक कहता बार बार उठा लेते, बार बार, अबे बार बार क्या पश्चाताप कर, बार बार यहां चल मुझे कह रहा चल सारे बोला यीशु मसीह मार के जाएगा। सुन रहा मेरी बात, सुन रहा है, पिंक पिंक आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया फ्री यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुनो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ और देखो ये दौड़ेगा भी और ये कहता दौड़ेगा, यहाँ यीशु दिख रहा है, देख 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 कौन दिख रहा है तुझे, यहाँ देख कौन दिख रहा है, यीशु लोग रहा यीशु पिता परमेश्वर हालेलुया। यीशु आ गया, आ गया यीशु, कौन आ गया यहाँ है, माइक कर माइक, कौन आ गया कांप रहे तू और जा रही है वो आत्माएं इसी समय छोड़ रही है, चल चल छोड़ दे इसको, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा है मर्जेंटा तेरी ऐसी की तैसी, इंग्लिश कमजोर है तुम्हारी, सारे बोले हालेलुया हालेलुया सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मुझे भी इंग्लिश में एक नंबर कम मिला था, मैडम ने कहा था रेड खड़ा हो जा, मैंने पीला पा गया खड़ा हो गया, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हो परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, करता है कि नहीं, करता है कि नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे लोग दिखते हैं बड़े बड़े दुखी लोग दिखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्यार कर रहा है, हालेलुया। मैं कहां जा रहा हूं कबूतर, पीछे भी मैं आज बोलूंगा और दुष्ट आत्मा ही निकल कर आएंगी, हालेलुया हालेलुया। पता है अनॉइंटिंग है यहाँ पे, मैं आया कि आया कि नहीं आया, हालेलुया। क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ओए 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 आ रहा है कि नहीं, आओ देखो हो रहा है कि नहीं, कौन है यहाँ, यीशु ओए ओए क्या हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, लेकिन वो देख अंगड़ाइयां ले रही, अंगड़ाइयां फाइटिंग 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 चल रही है कि नहीं, यीशु जब आता है सामर्थ आती है, सामर्थ यीशु मसीह के नाम में। सुनो सर बोले हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हो, अगर आप यहां पे एंट्री करते हो मैं शनिवार रात को ही आपके लिए दुआ करके जाता हूं, आप यहां हाथ लगाओ मिट्टी उठाओ या अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेना और यहां हाथ उठाकर दुआ कर जाना, आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। स्टैंड अप, आ जा मेरे पास सुन, स्टैंड अप, इधर आ मेरे पास, मेरे पास आ,
सारे बोले हालेलुया। माइक कर आगे, माइक कर इसके पास, माइक कर बस यहीं रख। मेरी बात सुन, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं, ठीक हो ना? तुझे बात सुन, मेरी बात सुन। सारे बोले हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात को सुन, उर्मिला नीचे बैठ, नीचे बैठ। उर्मिला कौन है? उर्मिला मैं, उर्मिला जो अच्छी तारीफ करें। उर्मिला, उर्मिला ये टाइम से तू प्रॉब्लम है। उर्मिला सुन, तेरे पास फोन नंबर है कोई? तेरे पास किसी का नंबर है, घर वालों का किसी का? फोन लगा, फोन लगा उनको, फोन लगा, निकाल निकाल फोन, निकाल फोन, निकाल फोन, लेके अपना फोन लेके। फोन है तेरे पास? फोन है तेरे पास? रो मत, फटाफट कर, तेरे पास फोन नंबर है, फोन है। खुश हो गई? सुनो 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 सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। अभी रोको उनको, पीछे रोको, पीछे पीछे रोको, स्टॉप करो उनको। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ए फोन लेकर आ अपना फोन, तुम बात नहीं सुन रही, क्या कर रही है? फोन ले गया इसका, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो, बोलो हालेलुया। जल्दी आ, दौड़ कर जल्दी आ, इधर आ फटाफट, इधर आ, इधर 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 जल्दी आ। ध्यान से सुनना, चुप रहना सब, चुप कर दे माइक, चुप। आपको मैं दिखा, पवित्र आत्मा का काम दिखाता हूँ। सुनो, आपके घर में कौन है इस समय? यहाँ कौन कौन है आपके साथ? मैं कोई नहीं आया। इसको पीछे ले जाए, चलो मार कान पे दो, कहाँ चढ़ रही है, पीछे उतार इसको। हाँ सुनो सुनो, ध्यान सुन, फोन घर पे कौन है तेरे? घर पे कौन है? मेरा आदमी, बच्चे। आदमी को फोन लगा फटाफट, अभी उठा लेगा फोन वो भी, उठाएंगे। हाँ बता, नंबर बता फटाफट, नंबर बोल। फोन तेरा ये, खोल इसको, नंबर लगा फटाफट। हाँ चलो चलो चलो, उठो यहाँ से, उठो उठो उठो, रोक इनको, रोक, कभी रोक, कैबिन में रोक। तेरे पास नंबर नहीं है कोई? अभी नंबर है तेरे पास कोई? मैं पूछ रहा हूँ, नंबर है तेरे पास कोई? हाँ इसमें है। घर वाले का नंबर है? नहीं है, है इसमें। क्या घर नंबर है तेरे घर वाले का? विशाल गौतम ऐसा भरत करके, तीन नंबर है। ओ, तू नाम ही बोल दिया तूने, चल जा। सारे बोले हालेलुया। सुन मेरी बात सुन, अपने घर वाले को फोन करके पूछना, कोई पेट पर तागा बांधा हुआ है? पेट में दरन होती है? दरन मेरा आदमी को, आदमी को होती है। हाँ तागा बांधता है? कोई तागा बांधा है? कमर में ठीक हो रहा है वो, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो रहा है वो, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो रहा है वो, यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा को देखो, बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जो भी बीमारी मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो कि पत्थरी जाए, आपने आपको अगर कोई बीमारी है वो बोलो, पत्थरी निकले बाहर यीशु के नाम में। आज आपके जुबान में सामर्थ आ रही है, क्या आ रहा है? सामर्थ आ रही है, बोलो हालेलुया। वहीं खड़े रहो, हिलेगा नहीं कोई, हिलेगा नहीं, गलती ना करो आप, वहां यीशु का लहू लगा हुआ, वहीं खड़े रहो। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं आदेश दे रहा हूं, जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखना, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसी समय, इसी समय गेट खोल दो, गेट खोल दो और पीछे हट जाओ। इसी समय देखो, खाए पिलाए की गंदी बदबू है, इनको छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकले, निकले, बोलो खाए पिलाए की गंदी आत्मा निकल मेरे घर से, बोलो निकले। हर जादू टोना निकले, हर बवासीर की बीमारी निकले, हर शराब निकले, हर बंधन टूटे, हर एक जुआ टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कैंसर डालने वाली गंदी आत्मा उखड़ जा, बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में। ऐ पत्थरी डालने वाली, बच्चे दानी में इंफेक्शन करने वाली, पागलपन करने वाली, सुसाइड कराने वाली, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तेरा खोपड़ा कहां है? थोड़ा थोड़ा ट्यून बजा, थोड़ा 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 थोड़ा, बाहर निकलो, बाहर 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 बाहर। खाए पिलाए की गंदी आत्मा निकलो, ऐ गूंगेपन की आत्मा बाहर। सुनो ध्यान से सुनो, तू बंद कर, वो थोड़ा बजा, थोड़ा थोड़ा चला, थोड़ा थोड़ा। सुनो, जिसको कमर में दर्द है, ऐ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, बाहर बाहर
अंधापन बाहर, अंधापन बाहर, अंधापन बाहर। आंखों पे हाथ रखो, आंखों पे हाथ रखो, पीछे तक, पीछे तक, आंखों पे हाथ रखो, आंखों पे हाथ रखो। जिसको सुनता नहीं कानों पर हाथ रखो, जो गूंगा है बहरा है हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है हाथ रखो। इसी समय ये देखो साई सामर्थ पवित्र आत्मा अंधे देखने लगे, जिसके चश्मा लगा इसी समय चश्मे उतर जाए, आंखों से झिल्ली जाए, काला मोतिया जाए, रसोलियां जाए, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से खड़े हो जाए, डंडे छूटे, डंडे छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई बेड पर है, कोई डंडों पर है, कोई व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर डंडे कुर्सियां साथ लेकर आना, उसकी उठाकर अभी इसी समय किसी को हीलिंग मिली, हाथों को उठाओ और उछलो, जोर से उछलो, उछलो। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाम, हर बीमारी जाए, मैं क्यों डरा, रसोलियां बाहर, उखड़ जाओ, ऐ शराब पिलाने वाली, ऐ नशा करने वाली, ऐ झूठ बुलाने वाली, ऐ विचार कराने वाली, रसोलियां, रसोलियां, निकलो, फायर, फायर, यीशु के नाम से, फायर, निकलो, पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक, दौर से वे निकले, हर बीमारी जाए, 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 पत्रियां जाए, लंगड़ाए खड़े हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, यू आर ही, पत्रियां जाए। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रियों के लोग आजाद हो रहे हैं, आमीन बोलो, चीखो और चिल्लाओ, गिल्टियां रसोलियां जाए। किसी के छाती में रसोली थी, अभी गायब हुई है, ताड़ी बजाएंगे यीशु के नाम में। किसी के हाथों में गिल्टियां थी, नाक से नक्सीर आती थी, खून आता था, किसी के गले में प्रॉब्लम है, वो भी आजाद हुआ है। किसी के कान में फिंसी है, बहरापन है, गांठ है, एक साइड में सुनता नहीं है। चेक करो, जो काम आप नहीं करते करके देखो, आप हील हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से कहें, जोर से कहें, अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो, हाथों को उठाओ और हिलाओ, हिलाओ, देखो, 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 रुमाल निकालो, रुमाल निकालो, रुमाल करी ना यो, मैनू बच के दाए, कपड़े निकालो, कपड़े, अपने कपड़े निकालो, अपना रुमाल निकालो और घुमाओ, यीशु मसीह का सामर्थ उतरे, और पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक, जोर से, जोर से घुमाओ, और उसके बाद वहां लगाना जहां बीमारी है, घुमाओ, घुमाओ। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, हर डिप्रेशन जाए, हर बीमारी जाए, मेरे नाम से बाहर, क्यों डरा, रसोलियां बाहर, क्यों डरा, पवित्र आत्मा, क्यों डरा, इसमें अंधे देखने लगे, मेरे चलने लगे, खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सर्वाइकल जाए यीशु के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। वो कपड़ा लगाओ जहां आपको प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई नहीं देख पाता था, एक आंख से नहीं दिख रहा था, अभी वो देखने लगा। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के लिए। जो बहरा था चेक करो, जो नहीं देखता था, जो नहीं सुनता था, जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखो आज। अभी इसी समय बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं, ताड़ी हो जाएंगे, जोर से यीशु मसीह के लिए। अपने हाथों को उठाओ और ये प्रॉब्लम अभी सुनो, हाथों को उठाओ, आ गया, आ गया, आ गया, हाथों को उठाओ, ऊंचे हो जाओ, ऊंचा करो, ऊंचा करो, हाथों को ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, नए लोग, आप नए लोग हैं वो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो। आपको आजाद होना है, फ्री होना है आपको। मेरे पीछे बोलो, यीशु मेरे ऊपर दया कर। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, लेडीज हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। हर खाया पिलाया जाएगा आज, हर बंधन टूटेगा आज, हर शराब खत्म हो गया आज। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो, हाथ, हाथ पकड़ो। अगर प्रॉब्लम ठीक होगी तो रहने दे, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। मैं इधर देखो, मैं बोलूंगा एक, आपने बोला यीशु, बोलो मैं मन से विश्वास करती हूँ यीशु ही प्रभु है, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मैं पश्चाताप करती हूँ, बोलो आमीन। अभी देखो, आज आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप कल थे, आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है, वो बीमारियां जा रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं, आप आजाद हो रहे हो। हौसला रखो आज, एक बोलो यीशु, दो
बोलो तीन। ये देखो आ गया यीशु, फायर फ्री, फायर जाओ फ्री यीशु के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा छुए, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चलो छोड़ इसको, चलो छोड़, यीशु मसीह के नाम से फ्री करता हूँ इसको, फ्री करता हूँ। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, इसी समय इन बच्चों को, परिवार को, इन औरतों को, गंदी दुष्ट आत्माएं छोड़े और निकले इनके शरीरों में से बाहर यीशु मसीह के नाम में, और फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। कैमरा मारो इधर, तेरा कैमरा कहाँ चल रहा है? बाहर निकल, नीचे बैठ जाने तो बाहर निकल। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन औरतों को इसी समय मैं आजाद होता देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जाओ सुनो, आपको जो प्रॉब्लम थी चेक करो, जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखो, उधर जाओ दौड़ कर देखो, जिसको अस्थमा था वो भी ठीक हुआ है, देखो चेक करो, जिसको बीपी था अभी ठीक हुआ है, जिसको शुगर थी अभी ठीक हुआ है, जाओ चेक करो, दौड़ कर देखो, जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखो, बैठ कर देखो, खड़े होकर देखो, गूंगे बोलने लगे अभी यीशु मसीह के नाम में, बहरे सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो, जाओ साइड में बैठो, जोर से जो गवाही है, जिसकी गवाही है स्टेज के पास आए, जल्दी वॉलंटियर को बताए, वॉलंटियर रोके नहीं, जिसकी गवाही है वॉलंटियर उनको आने दे, जो गवाही दे रहे हैं आने दो, जोड़ के जहां जो गवाही दे रहे हैं उनको आने दो, बोल सर ना रोके, सारे बोलो हालेलुया, सब साइड में बैठो, साइड में बैठो, उधर बैठो, घुटने टेको और देखो चेक करो जो काम आप नहीं करते थे। हाँ यीशु मेरे नाल नाल लेंदा है, आपके साथ है, डरी ना ओ मेनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल लेंदा है, ओ डरी ना ओ मेनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर, हालेलुया मेरे नाल। सुन लिनडी छट, परमेश्वर ने अभी तुझे आजाद किया है, एक दुष्ट आत्मा ने बड़े टाइम से तुझे पकड़ा हुआ था, तेरे सारे काम रुके हुए थे, अभी तेरे यहाँ प्रॉब्लम होता था, तेरे चलने फिरने में शरीर में फिट्स और बड़ी प्रॉब्लम होती थी, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो दुष्ट आत्मा तुझे छोड़कर चली गई है, तू आजाद हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। आ अपनी गवाही दे, लिखवाओ उधर और नाच के दिखा आज यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, तारीफ करें जोर से, मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल, मैं क्यों डरा दौड़ते हो भाई, आएगा दौड़ते हो, पहले जिसको बुला जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, ऊपर स्टेज पे चप्पल उतार कर जल्दी अपने हाथों को उठाओ। आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी आजाद हुए हैं, ये ना कहो कि मुझे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, आप देखो जो बीमारी आपको थी घुटना जिसका नहीं मुड़ता था, अभी देखो चेक करो आपका घुटना मुड़ने लगा है, सुनो, और जिसके पैर नीचे लगते थे उसके पैर नीचे लगने लगे हैं, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर मैं फिर से पानी डालूंगा, आपके काम बनने लगेंगे आज यीशु मसीह के नाम में, आप तैयार हैं? आज मैं बताता हूं आपको, हालेलुया। जल्दी हाँ, आपको कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? मैंने हो गए 10-12 साल ही। सेक्स की प्रॉब्लम। दुष्ट आत्माएं प्रॉब्लम करती थी आपके साथ, ये कौन है? वाइफ है मेरी। आपकी वाइफ? हाँ जी। ये भाई बोल रहा है, सच्ची गवाही दे रहा है, ये कह रहा है ये मेरी पत्नी है, बच्चा है कोई? आगे आओ। ये पत्नी पति, सुनो ये गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ा है, इसके शरीर को पकड़ा है और ये आजाद हो गया आज। ये भाई बोल रहा है, ये अपने मुंह से गवाही दे रहा है, पता क्या गवाही दे रहा है, ये मुंह से ये गवाही दे रहा है कि मुझे सेक्स करने में, पत्नी के साथ संबंध बनाने में प्रॉब्लम थी और ये लड़का अभी हील हो गया, हील। तारीफ करें, हालेलुया, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना ओ मेनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना ओ मेनू बस हालेलुया हालेलुया। आप सुनो, आपके रिश्ते मजबूत होने के जा रहे हैं, हाथ मिलाओ एक दूसरे के साथ, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप इसी समय फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वहीं खड़े रहे, वहीं, वो क्या हो रहा है, वहीं खड़े रहो, वॉलंटियर क्या कर रहे तुम, छोड़ के जाओ, रोको उसे अभी, अभी मैं पानी डालूंगा, ठहर जाओ 10 मिनट रुको, अभी गवाही सुनेंगे, अभी अभी क्या महसूस हो आपको अपनी बॉडी में? जान जी पाएगी शरीर से,
जान आ गई बोलता है शरीर में, हालेलुया हालेलुया। अगली बार बच्चे के साथ आएगी तो यीशु मसीह के नाम में जाओ जाओ जाओ, तारीफ करो जोर से जोर से। क्यों डरा मैं, क्यों डरा। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है, इस भाई के मुंह में और इनके गले में कैंसर था पिछले 5 महीने से, और ये बता रहे इन्होंने उल्टी के रास्ते इनकी सारी गांठ बाहर आ गई है और ये सारा मटेरियल जी अभी निकालो, डब्बा निकालो। देखो सुनो, इस भाई के गले में इतनी बड़ी गांठ थी, बहुत बड़ी गवाही है। कैमरामैन इधर कैमरा मार, खून निकला डब्बी में, गांठ डाल कर लाया, अभी निकली है, अभी जब ये उल्टियां की इसने डब्बी में की है, अभी डब्बी में। और ये हाथ में देखो, कैमरे में दिखा, कैमरे में सारे बोला हालेलुया हालेलुया। खून है इसमें, गांठ बाहर आई है खून की। गांठ पकड़ ले, तू पकड़ रही है, पकड़ ले, एक आधी पकड़ ले, है दिख रही हूँ, फिर पकड़ी जाएगी, रहने दे, है सर बोला हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि इतनी बड़ी गांठें मुंह से निकली, ये खून सारा इसी का है। अभी हुआ, अभी अभी हुआ, बोलते ही क्या हुआ, अभी अभी इनको उल्टी के जरिए 2-3 गांठ निकली उसमें, हाँ? जो ब्लीडिंग के साथ आई है, हाँ? और अगले हफ्ते आए थे आपसे प्रेयर किए, आज भी जो है इनके मुंह में जो वो लगाया वोमिटिंग के थ्रू, मतलब कि वो गांठे बाहर निकल गई, ये साइन है कि तू कैंसर से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जय जय मेनु बस यीशु मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी स्टेज पर लेकर आ, फटाफट स्टेज पे लेके सबको तैयारी रख पहले से। हाँ हाँ पापा, इन बहन को बेल्ट लगी हुई थी 3 साल से, और अभी आपने प्रोफेसी किया, रीढ़ की हड्डी में बेल्ट लगी थी और इनका निचला हिस्सा भीसा बिल्कुल बंद हो गया था। देखी थी तो आपके पास आई थी, डॉक्टर ने क्या बोला था, बोला रीढ़ की हड्डी खिसक गया, उसी वजह से पैर में दिक्कत है। चल बोल रहा था रीढ़ की हड्डी खिसक गया इसलिए तेरे पैर में भी दिक्कत हो गया। पैर में क्या हो गया था, हील नहीं रहा था। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मेरे पति ने बोला दारू पी के तू मर जा, तेरे में पैसे बहुत लगाए थे, मेरा बेटा ले लेके आता। अरे अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ, जब अभी पैर ठीक हो गया, अभी दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर। हालेलुया, बस इसमें बस। अभी सुनो डॉक्टर क्या बोल रहा था, 1.5 लाख रुपया मांगा है, 1.5 लाख रुपया ऑपरेशन। हस्बैंड क्या बोला, वो तो बोला मर जा, तेरे बर्बाद हो गए, पैसे लगा लगा। हस्बैंड कह रहा मर जा, पैसे लगा लगा बर्बाद हो गए, बेटा सहारा दे रहा कमा। अभी अभी एकदम से तेरी टांगों में सही हो गया। बैठ के देख, बैठ के देख, झुक के देख, झुक के देख, आ खड़ी हो गई देख। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जोर से तारीफ करें। हाँ 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 प्रोफेट जी, इस बहन को पिछले 6 साल से सर्वाइकल था। हाँ हाँ। अभी इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। हाँ, एक बुढ़िया फंसी आज लो। वो 6 साल का सर्वाइकल 6 सेकंड में धुआं बनकर उठ चुका है। कभी ना यो मैनु बस कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। ऐसे गवाई छोड़, उसको मत कर, ऐसे कर गर्दन ऐसे करके देख, अभी हिला के देख। अब कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है नहीं है, अभी ठीक हो गया। तारीफ करें जोर से। जाए जाए जाए। मैं क्यों, पापा ये भाई बता रहे हैं कि परसों इनके पाँव में गिरने की वजह से पैर का मांस फट गया था और ये अपना पैर भी पीछे बिल्कुल भी नीचे लगा पर थे, इनको यहाँ पर पकड़ कर लेकर आए थे और अभी इन्होंने सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया, अब ये दौड़ पा रहे हैं, उछल पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो चोट के कारण एडियां नीचे लग रही थी, अभी दर्द हो रहा था पहले, अभी अभी देखो मारो उसको नीचे, अभी कुछ ऊपर उछलो, जोर से करो, जोर से करो, जोर से करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीषित हो, जाओ 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 जाओ, हालेलुया। हाँ 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 पापा, इन बहन को 2 साल से धुंधला दिखता था और अब बिल्कुल क्लियर देख पा रहे। हालेलुया हालेलुया।
क्या हुआ था, क्या हुआ था आँखों में? मुझे आँखों से धुंधला दिखता था और मैं मोबाइल के अक्षर नहीं पढ़ पाती थी। अभी साफ देख रहे हैं? बिल्कुल साफ दिख रहा है। और जब मैं यहाँ आने लगी तो मुझे कमर से, मैं बस में बैठी तो मुझे बैठा नहीं जा रहा था, मुझे ये लगा कि मैं वहाँ जाके बैठूंगी कैसे। तेरी आँखों की रोशनी भी चंगी हुई है, पढ़ के बता कितना है? 5970। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। कौन है, कौन है? अब शेर मेरा कर दे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रोफेट जी, पिछले 10 साल से इस बहन के ब्रेस्ट में इतनी मोटी गिल्टी थी, इतनी मोटी गांठ थी, हाँ हाँ। वो पकड़ में आती थी, हाँ हाँ। अभी इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, वो गांठ धुआं बनकर उड़ चुकी है। हालेलुया, पवित्र हालेलुया। परमेश्वर तुझे हर शक से, बीमारी से आजाद कर चुका है। क्या था बताएं जल्दी से? मैं बीए में पढ़ती थी, तब से मेरे ब्रेस्ट में पानी की गिल्टी थी। स्कैन वगैरह करवाई थी तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवा भी सकते हो, नहीं भी तो मैंने मेडिसिन भी खाई थी एमोवैदिक की। अभी क्या हुआ? अभी खत्म हो, अभी चेक करके देखा नहीं है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। सुनो, कांटे जा रही है कि नहीं? रसोली ओढ़ रही है कि नहीं? और आंखों की रोशनियां बढ़ रही है, लंगड़े चल रहे हैं, ये तारीफ है परमेश्वर की जोर से। हाँ हाँ। पापा, ये बहन बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से इनकी कमर में बहुत ज्यादा पेन था, हाँ, और ये बिल्कुल भी घर का काम नहीं कर पाते थे, और अब इन्होंने चेक किया तो ये झुक पा रहे हैं और अपनी कमर को प्रॉपर से हिला पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बैठ के देख, बैठ के देख, नीचे बैठ के देख, नीचे बैठ के देख, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, चलो स्टैंड अप कर इसके साथ, चल सिट डाउन कर, चल चल चल, 1 2 3 4। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जोर से तारीफ करें, जोर से, हाँ हाँ। कोई बच्चा बोलने लगा, कोई बच्चा बोलने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी पापा, देखो। इन बहन को 4 साल से एक साइड पैरालाइज था, हाँ हाँ। और अभी ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। क्या हुआ था बेटे को? क्या हो गया था एक साइड में, और अभी अभी क्या हुआ इसके साथ? अभी चलने लगी, बेटा छोड़, आ आ आ चल, आ शाबाश, चल कर देख, जोर से जोर से, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। चार साल से अभी जान आ रही है। यस yes. अभी दौड़ सकती है, एक और बार दौड़ के दिखा शाबाश। प्रॉफिट जी, इस भाई को पिछले 20 साल से धुंधला दिखता था, ये बहुत प्रॉब्लम में थे, इन्होंने अभी अनॉइंटिंग ऑयल रिसीव किया, इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव किए, अब ये बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। पहले कहाँ का नहीं देखते थे पहले? इसके आँख में चोट लगी थी बचपन में, तब से दिखता नहीं था। कौन सी आँख थी वो? कौन सी आँख थी? राइट साइड, ये लेफ्ट बंद कर ले, लेफ्ट साइड पे हाथ रख, लेफ्ट साइड पे हाथ रख, और इधर देख, इधर सामने देख, मैं इधर देखो, ये कितनी उंगली है? 2। कितनी? 2। ये कितनी है? 3। ये कितनी है? 4। ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 1। एक जोर से बोल, कितनी है? 1। तारीफ करें जोर से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सामर्थ उतरेगा, सामर्थ। पापा, इन बहन को 17 साल से कमर में दर्द रहता था, ये उठ बैठ नहीं पाते थे, और अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर आशीष दे। हां जी, सामर्थ्य से भर दे। हां हां, जल्दी जल्दी जल्दी। हां, क्या हुआ अभी? जल्दी बोल, वहीं से बोल दे। प्रॉफिट जी, ये बच्ची बचपन से अपनी एड़ियां नहीं टिका पाती थी, हां हां, इसको गोद में उठाकर लेकर आते थे, पैर नहीं लगाती थी नीचे, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा अकड़न थी। 1.5 साल की थी जब इसको दोहरा आया था। नहीं, अभी अभी आज ये फर्स्ट टाइम अपने पैरों पर खड़ी है। छोड़ो बेटे, आ और चल रही है, आप पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाँ बेटे चल। तारीफ करें जोर से। पवित्र आत्मा, हालेलुया। आज इसी समय मैं कह रहा हूँ, इसकी हड्डियों में और ज्यादा जान आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, तारीफ करें जोर से, जोर से, जाएं जाएं जाएं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो।
हालेलुया पवित्र घाट माया। पापा ये बहन बता रहे हैं कि इनको पिछले 3 साल से सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से अपना नेक भी बिल्कुल हिला नहीं पाते थे और ये बिल्कुल दर्द में रहते थे। इन्होंने बहुत मेडिसिन खाई लेकिन अभी इंस्टेंट हीलिंग में इन्होंने अभी प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया तो इनका सर्वाइकल जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। कब से था बेटे? अंकल 3 ईयर्स से। 3 ईयर से। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा। तारीफ करें, सर्वाइकल इज गॉन, कौन है ये? बोलो यीशु। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। पापा इन भाई को 9 साल से लेफ्ट कान से नहीं सुनता था और अब ये क्लियर सुन पा रहे हैं। कौन से बेरापन था? बड़ी मार कर गया। कौन से कान से बेरापन था? इस पे उंगली रखो आप, राइट साइड पे, वो सामने देखो माइक कर। सोनू, आप सोनू, सोनू जोर से बोलो, सोनू, 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 दो। हालेलुया। ये कान से कितने साल से बहरा था? ये कान कितने साल से बहरा था? 9 साल से। अभी सुन रहा है? देखा आपने अभी ताड़ी की आवाज बताई कि नहीं? तारीफ करें जोर से, जाओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रोफेट जी, इस बच्ची के पिछले 10 महीने से फेस पर एलर्जी थी, अभी इसने विश्वास के साथ रुमाल लगाया, वो एलर्जी धुआं बनकर उड़ चुकी है। कैमरा मार देख, इसको एक बड़ी एलर्जी थी, शरीर बता रहा है। अभी देखो एक इंस्टेंट हीलिंग है। यहाँ पर क्या था पहले? स्किन एलर्जी, 10 महीना से जख्म बहुत ज्यादा था। अभी अभी क्या सूख गए कि नहीं? बिल्कुल। अभी देखो अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से सूखा है वो। तारीफ करें जोर से, जाएं। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। उठाऊं और परमेश्वर की तारीफ करो। हाँ हाँ बोलो, फटाफट बोलो। पापा इन्हें 1 साल से सांस की प्रॉब्लम थी, ये चलते हुए भी इन्हें सांस चढ़ता था और अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हाँ जाओ जाओ माता जी, इधर दौड़ के देख, इधर दौड़ के देख, देख सांस चढ़ता कि नहीं, दौड़ के जा, दौड़ के जा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। हालेलुया। अभी सांस चढ़ा? हाँ जी चढ़िया। नहीं मेरे ना पेट पथरी सी 8 mm दी और बहुत दर्द हो रहा सी, पिछली बार मैं आ नहीं पाई, हुण मैं बिल्कुल ठीक है, मेरा दर्द ठीक है। हालेलुया हालेलुया। इसके अंदर रिपोर्ट टेस्ट कराना, पथरियां भी चली गई आपकी यीशु मसीह के नाम में। अभी वो सांस जो अस्थमा की प्रॉब्लम, जो सांस की प्रॉब्लम है, फ्लूट पाइप में भी प्रॉब्लम सी। अभी कोई सांस चढ़ा जब आपने चक्कर लगाया? जी चढ़ा। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन को पिछले 2 साल से राइट हैंड साइड पे पैरालाइज हो चुका था और जिनकी वजह से इनका ये हाथ भी लकवा हो गया था, लकवा जी, इनका लकवा हो चुका था और अभी इन्होंने चेक किया तो ये दौड़ भी पा रहे और इनका हाथ भी उठ रहा है इस वजह के नाम में। पैर काम नहीं करता था, लकवा मार गया था, लकवा मार। अभी अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, अभी क्या हुआ? ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, ऊपर उठ रहा, उठा उठा उठा। हालेलुया। चल दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। अच्छा चल, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तारीफ करें जोर से, जोर से। कौन है ये? यीशु तेरा नाम। प्रॉफिट जी, इस बच्चे की एड़ी, राइट पैर की एड़ी बचपन से नीचे नहीं लगती थी, पंजों के बल चलता था। हाँ जी, ये अभी इसने विश्वास के साथ रुमाल लगाया, अभी अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक से चल पा रहा है। चल बेटे चल, कैमरा मार इसकी तरफ, कैमरा मार। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं आज ये पहली बार अपनी एडियो पर खड़ा है। पहली बार खड़ा है। पहले पंजे के बल चलता था, एडियां उठा के चलता था। अब देखो आपके सामने चलेगा। चल बेटे चल के दिखा अपनी माँ को, चल एडियां। यीशु वैद रोगी आंदा, वैद रोगी आंदा, यीशु वैद रोगी आंदा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि ये यीशु की तारीफ है।
और जो भी कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर आपको छुए और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सब खड़े हो जाओ और प्यार से किसी को, अगर कोई दुष्टात्मा कैसे कोई लिट्टा में बीमार है उसको देखकर दौड़ देख कर आना, देख कर नीचे देखो पहले, उसको साइड में करो, वॉलंटियर इनको उठाओ और इधर साइड में आ जाओ, आराम से बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से, सारे बोले हालेलुया, उनको उठाओ, इनको उठाओ वहां से, अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे, बोलो आमीन, आमीन। ध्यान से सुनो, जो लोग बिल्डिंग फंड के लिए और बिजनेस पार्टनर टीवी पार्टनर बनना चाहते हैं वो लोग पीछे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिनके बिजनेस नहीं खुले आज तक बंद पड़े हैं उनकी मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग होगी, वो डेट पूछना, शोर ना करें, शोर ना करें, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, आप पीछे आ जाओ, मैं आज आप सबके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर डालूंगा, बाकी वहीं खड़े रहें, सर बोले हालेलुया। कुछ लोगों को ध्यान से सुनना, बस बस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बेटे ध्यान रखो थोड़ा तुम, ध्यान से सुनो, सारे बोले हालेलुया। इधर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो खड़े रहो, सारे बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारे बोले हालेलुया। आज आप आशीष चाहते हैं कि नहीं, बरकत चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा आपको बरकत है। जो थोड़े थोड़े लोग आने दो आगे, सारा धक्का ना मारो, आराम से आने दो, खोल दे वॉलंटियर गेट, खोल दे थोड़ा, खोल दे, खोल दे थोड़ा, खोल दे, आने दे थोड़े लोगों को, आने दे, आराम से आओ, धक्का ना मारो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपको छुए, छुए कि नहीं, आप विश्वास करते हो? आज आपको घर में कोई पागलपन है, कोमा में है, या कोई भी कान में प्रॉब्लम है, बहरा है, लंगड़ा है, कैंसर है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन चंगाई मिलेगी विश्वास के अनुसार। किसके अनुसार मिलेगी? विश्वास के अनुसार। आज आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा का दान लेने के लिए तैयार हैं? सारे बोलो हालेलुया। आप इस समय पवित्र आत्मा का दान लेने के लिए तैयार हैं? कुछ लोगों को प्रभु छुएगा भी, लेकिन कुछ लोग अपने आप को नम्र नहीं कर रहे इस समय, अपने मन को। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की।